डे यूनिवॉन्ग्स, मेरा नाम है नम्रा। मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको सारी सेंट्रल डीम डीम टू बी प्राइवेट जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, दो CUT, UGE एंड PGU 2024 में पार्टिसिपेशन कर रही है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला ऑफलाइन क्लास में भी, ऑनलाइन क्लासेस में, मैम समझ में आ गया CUT क्या है, सिलेबस समझ में आ गया। क्योंकि अल्टीमेटली हम ये CUT क्यों कर रहे हैं, एडमिशन के लिए कर रहे हैं ना, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, इस वजह से हमने क्या सोचा, हमने सोचा जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू, क्यों ना कोर्सेज एलिजिबिलिटी बताना स्टार्ट कर दे। ठीक है, आज हम कौन सी यूनिवर्सिटी कवर कर रहे हैं? आज हम कवर कर रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ये कहाँ, ये MP में, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी है। हम आगे देखना स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी में क्या क्या है, कौन कौन से कोर्सेज है, सब कुछ हम देखना स्टार्ट करते हैं। कोई भी कोर्स मिस आउट ना हो जाए, कोई भी क्राइटेरिया मिस आउट ना हो जाए, इस वजह से आपको एंड तक वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, कैंपस बहुत सुंदर है, आपको जब भी टाइम मिले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके देखिए। कोर्सेज एलिजिबिलिटी बताने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छी बात यही है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आगे देखते हैं हम, फॉर्मली यूनिवर्सिटी ऑफ सागर, पहले हम इसे क्या कहते थे, पहले इसका नाम सागर था। ठीक है, वो एस्टैब्लिश 18 जुलाई 1946 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। एस्टैब्लिश किसने किया था? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने किया था। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनका डेट ऑफ डेथ है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं, ये 18 यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया की। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है कहाँ की, मध्य प्रदेश की। तो ये 18 यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया में, यार ये ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है ऑफ मध्य प्रदेश, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, थोड़ा सा डॉक्टर हरि सिंह के बारे में जान लेते हैं। एकेडमिकली बहुत ही ज्यादा एस्टैब्लिश, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर हरि सिंह गौर वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जब हम DU यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो डॉक्टर हरि सिंह वहां के फर्स्ट VC थे। कब से? 1922 से 1926 तक आगे फर्स्ट डीन थे ये। उसके बाद 1924 में ये डीन भी बने थे, कहा कि दी फैकल्टी ऑफ लॉ में। ठीक है, इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो DU की फैकल्टी ऑफ लॉ है उसमें ये डीन भी थे। आगे देखते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर आल्सो हेल्ड द पोजीशन ऑफ वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी। ये नागपुर यूनिवर्सिटी की भी VC रह चुके हैं दो बार, एक बार 1928 में, एक बार 1936 में। तो आप देख रहे हैं एकेडमिकली कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कितने सारे पोजिशन थे इनके पास। आगे देखते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ के एलुमनाई है ओशो। ओशो के बारे में कौन नहीं जानता, ओशो की आइडियोलॉजीज, ओशो का थॉट प्रोसेस, सारे जितनी भी यंग जनरेशन है, नॉट जस्ट यंग जनरेशन, जितनी भी यंग जनरेशन है सब लोग ओशो की, मेजरली स्टूडेंट्स और नॉर्मल लोग भी ओशो की थॉट प्रोसेस से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो ओशो यहाँ के एलुमना है आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, गोविंद नामदेव, ये सब बहुत प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, आपको उनकी फोटोज यहाँ पे दिख रही होंगी, एंड मेनी मोर, बहुत सारे फेमस एलुमना है इस यूनिवर्सिटी के। आगे देखते हैं फैसिलिटीज, देखते हैं इस यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। बॉयज हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग है, बट वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। गेस्ट हाउस है, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है, जितनी भी स्पीकर्स वगैरह आते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है। यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर सेंटर अवेलेबल है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग अवेलेबल है। क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनके थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा खराब होने लगता है, तो यहाँ पे काउंसलिंग सेशन भी अवेलेबल है। सेंट्रल लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम यहाँ पे क्या है, जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल लाइब्रेरी। बहुत ज्यादा मोर देन 4 लाख यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है। रेमेडियल कोचिंग सेंटर है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इंडियन कॉफी हाउस। इंडियन कॉफी हाउस तो बहुत ही फेमस है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन कॉफी हाउसेस है, कॉफी हाउस है, एंड मेनी मोर। इसके और भी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है, जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको और फैसिलिटीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से हम आपको कोर्सेज एलिजिबिलिटी बता देते हैं, कोर्सेज कॉम्बिनेशन बता देते हैं। ठीक है,
सो बेसिकली क्योंकि हम यूजी की बात करते हैं तो सारे यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेस किसके होंगे, यूजी के ही होंगे। प्रोग्राम कोर्स ऑफर, डिग्री कौन सी है, बीकॉम है। प्रोग्राम कोर्स ऑफर कौन सा है, बीकॉम। सिक्स सेमेस्टर से घबरा नहीं जाना है, सिक्स सेमेस्टर, क्योंकि स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में बताती हूँ, मैं आपको फाइव ईयर कोर्सेज के बारे में बताती हूँ, क्योंकि कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिक्स सेमेस्टर से घबराना नहीं है। सिक्स सेमेस्टर सरल भाषा में 3 साल, नॉर्मल जो बैचलर्स डिग्री होती है 3 साल की होती है ना, वही मैं आपको इसमें बता रही हूँ। डोमेन में हम देखते हैं तो बेसिकली आपको सेक्शन 1 जो लैंग्वेज सेक्शन होता है, हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी है, ठीक है। आपको सेक्शन 2 में से अकाउंट, क्योंकि हम बीकॉम कर रहे हैं, कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट ही होगा, या तो आपको अकाउंटेंसी लेनी है या तो आपको बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडीज में से कुछ एक ऑप्ट करने, सेक्शन 2 में से समझ में आ गया। और सेक्शन 3 तो सब स्टूडेंट्स को पता ही है, मैं आपको इतनी यूनिवर्सिटी इतने कोर्सेज कॉम्बिनेशन बता चुकी हूँ, अभी तक ना आपने भी रट्टा मार ही लिया होगा। सेक्शन 3 से क्या आता है, सेक्शन 3 से हमारा GT आता है, समझ में आया। और डोमेन एलिजिबिलिटी देख लीजिए, 10+2 मतलब 12th आपने किस में करी हो, आपने कॉमर्स में करी हो, समझ में आया। 12th करी हो किस में करी हो, कॉमर्स में करी हो, जिसका हम देखते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको पहले रीड आउट करके बताती हूँ। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, AWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन OBC, समझ में आया। इनके लिए आपको मतलब आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको एटलीस्ट 45% आपने अपने 12th में सिक्योर किया हो, ठीक है। रिलैक्सेशन मिलेगा 5 मार्क्स का, 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, किसमें मिलेगा, अगर आप ST, SC and PWD कैटेगरी में आते हो, समझ में आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, वो 5% रिलैक्सेशन OBC और EWS को भी देते हैं, यहाँ पे रिलैक्सेशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप भूले ना, आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने इस पे वीडियो बना दी, ठीक है। आगे देखते हैं हम दूसरा कौन से, BA, नॉर्मल BA डिग्री है, BA डिग्री है, 6 सेमेस्टर समझ में आ गया होगा, 3 साल की है, ठीक है। इसमें आपको क्या चूज करना है, आपको लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है, या तो आप हिंदी चूज कर लेंगे या तो आप इंग्लिश चूज कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। और GT तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, CUT में सेक्शन 3 GT सारे सेक्शन इम्पोर्टेंट है, GT का ज्यादा रेलिवेंस क्यों है, क्योंकि GT तो मोस्टली सारे यूनिवर्सिटीज में आ ही रहा है, ठीक है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, 10+2 आपने 10+2 करी हो मतलब 12th करी हो किसी भी डिसिप्लिन में, नो मैटर आपके पास 12th में जो भी सब्जेक्ट हो आपने 12th पास करी हो। फिर वही अनरिजर्व्ड EWS इन OBC कैटेगरी को कितना मिल रहा है, 45% का मिल रहा है, और आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप ST, SC या PWD से है, समझ में आ रहा है। बाकी आप देखेंगे जितने भी मैं आपको अभी डिग्री कोर्सेज बताऊंगी, जितने भी बताऊंगी आप देखेंगे सबकी एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा डोमेन में डिफरेंस हो जाते हैं, एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सारी कोर्सेज की सेम ही है, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। BA BEd इंटीग्रेटेड डिग्री है, यहाँ पे मैंने 8 सेमेस्टर्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, मतलब ये BA BEd की डिग्री दोनों आपको साथ में मिल रही है, तो 4 सेमेस्टर मतलब 4 साल की डिग्री है, समझ में आया। BA BEd 4 साल की डिग्री है, ठीक है। आपको डोमेन में हम देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है, कर ली, क्योंकि हम BEd की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको सेक्शन 2 से टीचिंग एप्टीट्यूड लेना कंपल्सन है, क्योंकि आप BEd के लिए जा रहे हैं, BA तो समझ में आ रहा है, बट यू आर ऑल्सो गोइंग फॉर BA BEd इंटीग्रेटेड डिग्री, समझ में आ रहा है, BA BEd, इसलिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड लेना यहाँ पे जरूरी है। और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट, ठीक है, इजीएस्ट। एलिजिबिलिटी देखते हैं, 10+2 एनी डिसिप्लिन, नो मैटर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो 12th में, 10+2 मतलब आपने 12th किसी भी डिसिप्लिन में करी हो, और फिर आपने उसमें कितना सिक्योर करो, 45% सिक्योर करो, 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, समझ में। यहीं पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है। डिग्री देखते हैं आगे क्या है, BFA भी कितने साल का होता है, BFA भी 4 साल का होता है, समझ में आया, 8 सेमेस्टर मतलब 4 साल का भी BFA है, ठीक है। डोमेन में हम देखते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से आपको कुछ एक ऑप्ट करना है, हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक ऑप्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट लेना है।
बीएफए के लिए जो जो स्टूडेंट्स को आर्ट में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, सारी इन डिग्रीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इनकी इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, सारे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज में इनकी प्लेसमेंट अच्छी लगती है। अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया बीएफए करवा रही है, इसका प्लेसमेंट क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। जस्ट फॉर यू गाइज आई विल मेक अ यू नो डिटेल्ड वीडियो फॉर यू। ठीक है, आगे देखते हैं, एलिजिबिलिटी देखते हैं। 10+2 किया हो मतलब 12th किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, 45% आपने सिक्योर करा हो अगर आप इस कैटेगरीज में आते हैं, अनरिजर्व्ड में, ईडब्ल्यूएस में, इन ओबीसी में। ठीक है, और अगर आप एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बीबी ऑनर्स करवा रहे, इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बीबी ऑनर्स करवा रहे। बीबी ऑनर्स कितने साल का है? 3 साल का है। बीबी ऑनर्स कितने साल का है? 3 years का है। ठीक है, डोमेन में हम देखते हैं, डोमेन में क्या है, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को मैंने आपको बताया था हिंदी या इंग्लिश में से, वो आपको मोस्टली कह रहे हैं इंग्लिश चूज करना है। ये आपको लैंग्वेज में क्या कह रहा है? ये आपको लैंग्वेज में कह रहा है कि आप हिंदी या इंग्लिश में से कुछ भी एक चूज कर सकते हैं। डोमेन में आप क्या लेंगे? बीबीए कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज लेना जरूरी है, और सेक्शन थर्ड से क्या आया? सेक्शन थर्ड से हमारा जनरल टेस्ट आया। ठीक है, 10+2 किया हो, किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या कह रही है? बीबीए के लिए कॉमर्स हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ये है वो हो। डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी क्या कह रही है? उन्होंने बोला किसी भी डिसिप्लिन में किया हो बट मार्क्स एटलीस्ट 45% सिक्योर कर ही दिया हो। भाई इससे ज्यादा सिंपल तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए कर ही नहीं सकती है। ठीक है, 45% मैंने आपको बता दिया है, या तो अनरिजर्व्ड, या ईडब्ल्यूएस, या फिर ओबीसी कैटेगरी, एंड 5% आपको मिल जाएगा अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सी डिग्री है। बीएससी हो, बीएससी तो सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही पसंद है। बीएससी है, बीएससी बायो ग्रुप। बीएससी के अलग अलग डिग्रीज है, अलग अलग कोर्सेज है, कौन कौन से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, बायो ग्रुप में 6 semesters मतलब 3 साल की। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको दोनों ऑप्ट करना है, यहाँ पे और का ऑप्शन नहीं है, दोनों ऑप्ट करना है। ठीक है, और सेक्शन थर्ड से जनरल टेस्ट, समझ में आया? अब इसकी मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। 10+2 एंड साइंस, क्योंकि बी एस सी कर रहे हैं तो 12th में आपके पास साइंस होनी नेसेसरी है। बायोलॉजी ग्रुप मतलब बायोलॉजी ग्रुप, बायो आपके पास होनी जरूरी है। आपको 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी में से हैं, नहीं तो आपको 45% ही सिक्योर करना है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे देखते हैं बीएससी बीएड, लास्ट वाला क्या था? नॉर्मल बीएससी था, ये क्या है? बीएससी बीएड है। बीएससी बीएड मतलब 8 semesters मतलब 4 साल की डिग्री है। जैसे मैंने आपको बताया बीएड 4 साल की है, इंटीग्रेटेड है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों चूज किया हो, और क्योंकि जैसे ही बीएड का नाम आता है टीचिंग एप्टीट्यूड आपको लेना नेसेसरी हो जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको चूज करना ही करना है, और फिर वही सेक्शन थर्ड से आप क्या ले लेंगे? सेक्शन थर्ड से आप जनरल टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी में, मतलब आपने 12th करी हो, 12th में आपके पास क्या हो? बायोलॉजी, बायोलॉजी होना जरूरी है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? बीएससी कर रहे हैं। साइंस मैंने आपको बता ही दिया, साइंस किस में होता है? बायो में तो होता है। ठीक है, 45% आपको मिल जाएगा, 45% आपको सिक्योर करना है अगर आप अनरिजर्व मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में है, नहीं तो 5% का मिल जाएगा एसटी एससी पीडब्ल्यूडी से है। ठीक है, मैं आपको अभी तक क्या बता रही थी? मैं आपको बीएससी बायोलॉजी ग्रुप का बता रही थी, ये यूनिवर्सिटी मैथ्स ग्रुप में भी करवा रही है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बीएससी मैथ्स ग्रुप 6 semesters मतलब 3 साल। ठीक है, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री ले रहे थे, ये मैथ्स ग्रुप की बात हो रही है, इसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, समझ में? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स लेना है और सेक्शन थर्ड से जनरल टेस्ट ले लेना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं इसकी। 10+2 मतलब 12th, सिंपलेस्ट 12th करी हो, मैथ्स ग्रुप मतलब 12th में मैथ्स होनी जरूरी है, और बाकी जो रिमेनिंग एलिजिबिलिटी है वो सबकी सेम है 45, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या कहती है, जैसे ही वो साइंस का नाम लाती है ना तो वो अपनी मिनिमम मार्क्स मिनिमम परसेंटेज बढ़ा देती है, बट डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी ये नहीं बढ़ा रही है, उन्होंने मैथ्स उन्होंने साइंस के लिए भी 45% ही रखा है। ठीक है, और 5% रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमने
बीएससी बीएड किस में देख लिया, बायोलॉजी में देख लिया, ये मैथ्स में भी करवा रही है। 8 semesters मतलब 4 साल, समझ में आ गया ना। इंटीग्रेटेड, जैसे ही इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी कोर्स की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड डिग्री की बात करते हैं, बीएड की बात कर रहे हैं, तो वो 4 साल का हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको क्या लेना है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तो लेना ही लेना है। जैसे मैंने आपको बताया बीएड के लिए क्या नेसेसरी है, बीएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड इज वेरी नेसेसरी। ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग फॉर बीएड, इफ यू आर गोइंग फॉर द बीएड डिग्री, टीचिंग एप्टीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन। ठीक है, और सेक्शन थर्ड से क्या आ गया हमारे पास, सेक्शन थर्ड से हमारे पास जीडी आ गया। अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, 12th आपने करी हो मैथ्स में, क्योंकि हम बीएससी बीएड मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स मतलब मैथ ग्रुप में करी हो, 10+2 मतलब साइंस बीएससी की बात कर रहे हैं, मैथ्स उसमें आपके पास हो, एटलीस्ट मिनिमम कितना सिक्योर किया हो, मिनिमम 45% सिक्योर किया हो, और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में फॉल करते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीसीए की भी बहुत ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट लगती है, स्कोप बहुत ज्यादा है, रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको जानना है बीसीए आप इस यूनिवर्सिटी के अलावा कौन से अदर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, डीम्ड टू बी, कौन से अलग यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, प्रोग्राम 6 semesters मतलब 3 years। ठीक है, डोमेन देख लेते हैं, डोमेन में आपके पास क्या हो, आपके पास फिजिक्स हो एंड मैथमेटिक्स हो, ठीक है, प्लस जीडी, जीडी तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीडी हो आपके पास। ठीक है, समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोर्सेस ऐसा नहीं कि कोर्सेज बढ़ जाते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए, यार कोर्सेज बढ़ गए समझ नहीं आ रहा, इतने सारे कोर्सेज से कौन सा ऑप्ट करूं, भाई ये भी तो सोचो ना बच्चों, अगर कोर्सेज बढ़ रहे हैं तो आपका स्कोप भी बढ़ रहा है, आप इसमें भी जा सकते हो, उसमें भी जा सकते हो, आपके स्कोप एक्सपैंड हो रहा है, आपके पास ऑप्शन हो रहे हैं, क्योंकि सीयूटी 2024 क्रैक करना है, गैप ईयर नहीं लगाना है, तो कोर्सेज ज्यादा होने का मतलब ऑप्शन ज्यादा होना। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी देख लेते, 10+2 मतलब 12th किस में करो, मैथ्स में करो, फिर बाकी की एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम है, 45% आपने नॉर्मल मतलब 45 एटलीस्ट मिनिमम 45% सिक्योर करो हो, और 5% क्या हो, 5% आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे देखते हैं बी फार्मा, ओहो इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत यूनिक है, बहुत ज्यादा कोर्सेज, बहुत ज्यादा इसकी स्कोप है इसका, अगर आपको बी फार्मा सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से भी करना है, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है, किसी प्राइवेट कॉलेज से करना है, डीम टू भी किसी भी यूनिवर्सिटी से करना है, आपको इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जानना है, आपको जानना है कि इसका यू नो प्लेसमेंट कैसे लगती है, कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो डिग्री देख लेते हैं, डिग्री कौन सी है, डिग्री है बी फार्मा। ठीक है, इसमें आपको 2 options मिल रहे हैं, आप बी फार्मा या तो बायो में भी कर सकते हैं या फिर मैथ्स में भी कर सकते हैं। 8 semesters जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, 8 semesters 6 semesters से कंफ्यूज नहीं होना है, 8 semesters का मतलब 4 साल का है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इससे, बी फार्मा है, बी फार्मा जैसे मैंने आपको बताया 8 semesters है, 8 semester मतलब 4 years। ठीक है, आप इसका डोमेन देख लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, क्योंकि इसमें आपको 2 options मिल रहे हैं, या तो आप बायो में कर रहे हैं या मैथ्स में कर रहे हैं, तो आपको मैथ्स और बायो में से कुछ एक ऑप्ट करना है, ये आपके ऊपर है। आपको बी फार्मा मैथ्स में करनी है तो आप यहाँ पे मैथमेटिक्स ले लेंगे, आपको बी फार्मा बायो में करनी है तो आप बायोलॉजी ले लेंगे, सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस जीटी तो समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए अब हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, मिनिमम 45% मार्क्स विद इंग्लिश, विद वॉट, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स और बायो में आपको वो खुद ही ऑप्शन दे रहे हैं, तो 12th में आपके पास मैथ्स या बायो में से कुछ एक होना चाहिए। ठीक है, ये या तो इंग्लिश या नहीं, मतलब इंग्लिश कंपलसरी, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी, मैथ्स और बायो में से 4 subjects, समझ में आ गए। इसमें आपने कितना एटलीस्ट मिनिमम कितना सिक्योर किया हो, मिनिमम 45% सिक्योर किया हो। ठीक है, 5% आपको मिल जाएगा अगर आप एसटीएससी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आगे की लाइन देखते हैं, स्टूडेंट पोजेसिंग 10+2 क्वालिफिकेशन विदाउट फॉर्मल क्लासरूम स्कूलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल।
ठीक है, दिस इज कंपेरेटिवली न्यू, इस बात का मतलब क्या है? यहाँ पर मतलब ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना टेंथ के बाद फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेते, मतलब वो NIOS, मतलब वो ओपन डिस्टेंस स्कूलिंग से कर लेते हैं, तो जस्ट फॉर दिस डिग्री आपको, आपके पास फॉर्मल क्लासरूम स्कूलिंग होनी चाहिए, विच मीन्स मतलब आपने डिस्टेंस वगैरह से अपना ट्वेल्थ नहीं पास किया हो, आपने रेगुलर ट्वेल्थ पास करी हो, ठीक है, और उसमें आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स और बायो में से कुछ एक हो, और उसमें हमने मिनिमम 45% सिक्योर किया हो। घबराना नहीं है कि एलिजिबिलिटी अलग हो, ये एलिजिबिलिटी वही है, सिर्फ स्टेटमेंट्स में उन्होंने थोड़ा सा फेर कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं BA LLB, ये BA LLB करवा रहे हैं बहुत, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर, नॉट जस्ट ऑनलाइन, इवन इन ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मैम BA LLB में बहुत स्कोप है, LLB पढ़ना है, लॉयर बनना है, ये करना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप जानना चाहते हैं कि BHU की जर्मन की किसी भी अदर यूनिवर्सिटी की BA LLB का कोर्स क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि मोस्टली 99.9% यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, अगर BA LLB की बात होती है ना, वो 5 साल की ही होती है, इनफैक्ट जामिया की भी 5 साल की है, ठीक है। आगे देखते हैं डोमेन में आपको क्या चूज करना है, आपको हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक लैंग्वेज चूज करनी है, क्योंकि हम LLB की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लीगल स्टडीज इंपॉर्टेंट हो गई, फिर आपको लीगल स्टडीज चूज करना है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आपको जनरल टेस्ट तो ऑप्ट करना ही करना है, सिंपल, समझ में आ गया, हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक, डोमेन में आप सेक्शन 2 से लीगल स्टडीज ले लेंगे, और सेक्शन 3 से आप क्या ले लेंगे, सेक्शन 3 से आप जनरल टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखते हैं, एलिजिबिलिटी इसकी बहुत सिंपल है, 10+2 इन एनी डिसिप्लिन, सबसे अच्छा यही है, नॉन इसको यहाँ पे कंफ्यूजिंग नहीं बनाया, 10+2 इन एनी डिसिप्लिन, बाकी जो रिमेनिंग एलिजिबिलिटी है वो सबकी सेम है, कि 45% आपको नॉर्मल, मतलब आप अनरिजर्व EWS या OBC कैटेगरी में 45% आपको उसमें हो, और 5% को आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए, ओहो इतने ही कोर्सेस थे, ये भी बहुत ज्यादा कोर्सेस थे, कोई भी कोर्स कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में नहीं आया हो, डू नॉट नीड टू वरी, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, आई एम हियर फॉर यू, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट वी कैन मेक अ वीडियो फॉर यू, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया, ठीक है। डरना नहीं है, पढ़ना स्टार्ट कर देना है, आप यूनिमॉन्क्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिमॉन्क्स का एड्रेस अवेलेबल है, आप किसी भी फैकल्टी से आके 1-on-1 सेशन ले सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी डोमेन समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी NTA की नोटिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन डेट से कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो जाए, उसके लिए हम आपको रिमाइंडर के लिए हम बैठे हैं, ठीक है। दैट्स माई टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।